नमस्कार, मैं हूं सौला जबी, स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते खबरों का। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सरकारी जमीन को बेचने के मामले में कानूनगो और पटवारी सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं प्लॉट खरीदने वाले महबूब अली का कहना है कि उसने 2016 में मलसी ग्राम में प्लॉट खरीदकर मकान बनाया था, लेकिन कुछ महीने बाद पटवारी द्वारा मकान ध्वस्तीकरण का नोटिस भेजा गया, जिसे लेकर पीड़ित आईजी के पास पहुंचा, जहां आईजी ने एसआईटी को जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैंने रुद्रपुर तहसील के मलसी गांव में खसरा नंबर 293 में प्लॉट खरीदा इमरान और धर्मेंद्र सिंह बिष्ट से, जिन्होंने मुझे प्लॉट खसरा नंबर 293 का दिखाया और रजिस्ट्री करा दी, दाखिल कर दिया। मौके पर कब्जा जो दिया गया वो सरकारी नाली और चक्रोड की जमीन खसरा नंबर 291 और 292 में दिया। मैंने बिल्डिंग बना दी। बिल्डिंग बनाने के बाद मुझ पर तोड़ने का नोटिस आया तहसीलदार का, उसको लेकर मैं तहसीलदार पे कोतवाल साहब के पास, एसएसपी साहब के पास सब में न्याय के लिए घूमता रहा, मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। देखिए, रेंज एसआईटी की जांच के आधार पर मलसी गांव का मामला है, जिसमें महबूब अली की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये रुद्रपुर थाने में 420 की एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें विवेचना पर ली जाए। जो भी उसमें तथ्य है, चूँकि जमीनी मामला है, इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने, तो जो भी इसमें तथ्य है जो सामने, उसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई। रुद्रपुर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के चिरमिरी कांग्रेस के महापौर के डोमरू रेड्डी अपने एमआईसी सदस्यों के साथ इलाके के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने इलाके में हो रही समस्याओं को सुना। वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए निगम के अधिकारियों को कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब इन्हें लातों से मारेंगे तब ये समझेंगे। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने डोमरू रेड्डी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि चिरमिरी की जनता ने आपको चिरमिरी के विकास के लिए चुना है, ना कि अधिकारियों को लात मारने के लिए। मैं चाहूंगा कि माननीय महापौर जी का ये बयान कि अधिकारी अगर बात से नहीं मानते हैं, तो उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल करके लात शब्द का जो इस्तेमाल किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम, क्योंकि आप एक नगर के प्रथम व्यक्ति हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं। जनता ने आपको चुन करके चिरमिरी शहर के लिए भेजा है। आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द चिरमिरी की जनता का शब्द कहलाता है। चिरमिरी की जनता किसी अधिकारी को बात और लात की बात नहीं करती है। चिरमिरी की जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए। ये हमारे नगर निगम के कुंभकर्णी नींद में बैठे हुए कुछ अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रहा था, इसलिए हम लोगों ने कड़ा रुख अपनाया है। और अब जो वाला करके लिपापोती करने वाले अधिकारी और बहानेबाज अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और ये इस तरह के जनहित में जो भी काम है, हम लोग बहुत सक्रियता से उस पर लगे हैं। अगर ये बातों से नहीं मानते हैं तो ये लातों के लिए भी तैयार रहें। छत्तीसगढ़ से राजन टिर्की की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटी से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found manglik.com, शादियों के मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1,00,000 से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और manglik.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on manglik.com, use promo code nation1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के कटनी के विलायत कला गांव की विभा ने दादा की मौत पर घर आए लोगों से पेड़ लगवाकर प्राकृतिक संतुलन को बढ़ावा दिया है, जिसके लिए वो रोल मॉडल बन गई हैं। विभा तिवारी और पिता वीरेंद्र तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मानित करेंगे। सम्मानित कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोग अपने अपने गाँव की मिट्टी लेकर जाएंगे। पीएम मोदी इसी मिट्टी पर पेड़ लगाकर एकता का संदेश देंगे। ये एक 4D मतलब हमको तो युवा प्रेरणा स्रोत के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, और ये कल का प्रोग्राम है, तो हम लोग उनसे हमारा सम्मान किया जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मोदी जी के द्वारा हमारा सम्मान किया जा रहा है। इतनी वो नहीं थी हमें कि मोदी जी से मिलने का इतना अच्छा अवसर मिलेगा हमें। Y4D फाउंडेशन डालमिया ग्रुप के द्वारा एक सर्वे हुआ है, जो कि पूरे भारत में चल रहा है, और इस सर्वे में हमारे गांव विलायत कला से हमारी बिटिया का और हमारा नाम जो है नामांकित हुआ है, जो कि वोटिंग के माध्यम से हमारी बिटिया का और हमारे क्रियाकलापों के द्वारा
हमारे गांव को आदर्श ग्राम के रूप में लिया गया है। यूपी के सिद्धार्थनगर के शौरतगढ़ में उपजिलाधिकारी ने शिकायत के आधार पर एक फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह युवक बीते 9 वर्षों से जूनियर चेत्रा शेख हाई स्कूल में सेवाएं दे रहा था। जालसाज शिक्षक ने सचिवालय में तैनात समीक्षा अधिकारी के कागजात लगाकर नौकरी पाई थी। जांच में फर्जी शिक्षक ने स्वीकार किया है कि उसे यह प्रमाण पत्र कहीं से मिले थे, जिसके आधार पर उसने यह नौकरी पाई है। वहीं जांच में स्पष्ट होने के बाद उपजिलाधिकारी ने फर्जी शिक्षक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। ऐसे फर्जी शिक्षकों का चिन्हांकन कराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक मुझे कोई सूची नहीं प्राप्त हुई है। खंड शिक्षा अधिकारियों को मेरे द्वारा बैठक में स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया गया है कि जनपद में जो भी फर्जी शिक्षक कार्य कर रहे हैं, इनके विषय में जानकारी प्राप्त करें। जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से अरुण शुक्ला की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।